दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि चार अलग अलग समय में एक ही इंसान की डेड बॉडी मिलती है। किसी को भी नहीं पता था कि ये डेड बॉडी कहां से आई और ये किसकी बॉडी है, लेकिन हसन पिछली कड़ियों को आपस में जोड़ने में कामयाब हो जाती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे समझ आएगी। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में जब एंड्रे हसन को तहखाने में बंद करके चला गया था, तब उसके वापस न लौटने पर जैक अपनी पुलिस टीम के साथ वहां छापा मारता है और हसन को रेस्क्यू कर लेता है। हसन देखती है वहां एक भी डेड बॉडी मौजूद नहीं थी और ना ही एंड्रे वहां पर था। फिर जब हसन अपनी कार में परेशान बैठी थी, तब उसके पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है। वो कहती है कि जो फाइल तुमने मुझे दी थी, क्या वो सच में 1890 की है, क्योंकि उसमें जो जूलियन हार्पर के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो मैनिक्स के साथ मेल खाते हैं। ये बात सुनकर हसन पागल हो जाती है, क्योंकि ये केस उलझता ही जा रहा था। दूसरी तरफ गैब्रियल मैपलवुड को चैपल पैरेलिस लेकर जा रहा था। रास्ते में वो अपनी नेबर से पूछती है कि इतने सालों से तुम मेरे साथ खा पी रही हो, क्या वो सब धोखा था। फिर वो उसको चेहरे पर काला कपड़ा पहनने के लिए देते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। फिर वे एक गहरी सुरंग में जाते हैं और वहां ले जाकर मैपलवुड को बिठा देते हैं। तभी वहां उनकी बॉस आती है, वो कोई और नहीं बल्कि हसन थी। जब हसन को फिंगरप्रिंट मैच होने की बात पता चली तो वो मैनिक्स के पास जाती है। वो उसे जूलियन हार्पर की तस्वीर दिखाती है। वो बताती है कि ये तस्वीर 1890 की है और 1941 में इसकी मौत हुई, किसी पुलिस वाले ने इसको गोली मार दी थी। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट इस जूलियन हार्पर के साथ मैच खाते हैं। जब ये फिंगरप्रिंट हीलिंग हेड ने बतौर सबूत जमा करवाए थे, उस समय फिंगरप्रिंट्स को सबूत नहीं माना जाता था। फिर हसन मैनिक्स से उसकी माँ का नाम पूछती है। वो बताता है कि मेरी माँ का नाम सारा मैनिक्स है। फिर वो अपनी फ्रेंड को देश भर में जितनी भी सारा मैनिक्स है उनका एड्रेस निकालने को कहती है। दूसरी तरफ व्हाइटमैन अपने सीनियर के पास जाता है और उसे शुरू से लेकर अब तक सारी बात बताता है। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम उस औरत को पकड़ने में मेरी हेल्प करो, वो जरूर कुछ बड़ा कर रही है। उधर हसन को सारा मैनिक्स के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। सारा बताती है कि जब वो 4 साल का था तो उसे सोशल सर्विस वाले ले गए थे, क्योंकि वो मेरे साथ सुरक्षित नहीं था। बाद में मैंने उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। अब 2053 में आते हैं। मैपलवुड हसन को धमकी देती है कि कमांडर मुझे छुड़वाने आता ही होगा। फिर हसन गैब्रियल को कहती है कि तुम इस पर विश्वास मत करना, ये उसका साथ दे रही है, इसीलिए बार बार तुम ही मारे जाते हो। फिर वो मैपलवुड को बताती है कि तुम पहली नहीं हो जिसे गैब्रियल की लाश मिली थी। तुमसे पहले मुझे और 2 और ऑफिसर थे जिनको वो लाश मिली थी। 30 साल पहले मैंने जो जांच की वो मुझे इस लड़के मैनिक्स तक ले गई। अब यही बड़ा होकर तुम्हारा कमांडर बना है। जब 2023 में बम फूटा था, उसमें लाखों लोग मारे गए थे, उसमें इसी का हाथ था। उस समय मैं उसके सामने खड़ी थी, यही टाइम ट्रेवल करके 1890 में भी गया था। टाइम ट्रेवल मुमकिन है, उसी ने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हम उसी की बनाई दुनिया में हैं। अब बस उसे 1890 में ही जाकर रोकना होगा। अब सीन जाता है 1890 में, जब हीलिंग हेड जूलियन हार्पर को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। जूलियन हार्पर कहता है कि वो लैंप मैंने ही बुझाया था और ये फिंगरप्रिंट भी मेरे ही हैं, और जो फोटो तुम्हारे पास है उसमें भी मैं ही हूँ। फिर वो सीनियर ऑफिसर को खुद के लिए चाय लेने भेज देता है। फिर जूलियन कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने सारे राज खोल दूंगा और ये सब जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। प्रेजेंट में हसन जब मैपलवुड को सारी बातें बता देती है तो वो उससे पूछती है क्या तुम उसे रोकने में हमारा साथ दोगी, लेकिन मैपलवुड को उसकी बताई हुई कहानी पर विश्वास नहीं था। उधर व्हाइटमैन का बॉस इस केस को रीओपन कर देता है। उसको शक था कि पुलिस स्टेशन में से जरूर कोई और भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए व्हाइटमैन कॉलर रूम में जाकर सभी आने वाले फोन्स को खुद सुनने के लिए कहता है। उसे फोन कॉल से एक लड़की के बारे में पता चलता है जो उसी बूढ़ी औरत पोली से मिली हुई थी। जब वो उसे गिरफ्तार करते हैं तो वो बता देती है कि वो फोन उसे कहां से किया जाता है। वो फोन एक बैंक से किया जाता था, पोली उस बैंक की मैनेजर थी। फिर व्हाइटमैन का सीनियर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो मुक्का मारकर अपने सीनियर को बेहोश कर देता है और उस बुढ़िया को गन पॉइंट पर लेकर किडनैप कर लेता है। व्हाइटमैन कहता है तू बहुत खास है। दूसरी तरफ हसन फिर से मैनिक्स की मोम के पास जाती है। सारा बताती है कि मेरे बेटे के बाप का नाम डैनी है, वो जूलियन हार्पर का पोता है और वो अपनी मोम का सरनेम लगाता है बार्बर। फिर हसन उसको जैक बार्बर की फोटो दिखाती है। सारा कहती है ये वही है। तभी उसके फोन पर जैक बार्बर का फोन आता है और वो कहता है कि सारा से हाय कहना।
फिर वो उससे मिलने के लिए ऑफिस जाती है। वो अपने ऑफिस में नहीं था। उसे पता चलता है कि जैक ने मैनिक्स को जेल से छुड़वा लिया है और अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ हसन मैपलवुड को टाइम मशीन के पास लेकर जाती है और कहती है कि अब तो हम पर विश्वास आ गया होगा। गैब्रियल उसे मशीन चलाकर दिखाता है। वो ट्रायल के लिए मैपलवुड को मशीन के पास जाने को कहता है और उसे समझाता है कि यह मशीन किस तरह से काम करती है। वे बताते हैं कि मैनिक्स इसके जरिए 1890 में गया और वहां से उसने इस लूप की शुरुआत की। हम कई बार इसे रोकने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। अब वो फिर से यहाँ पर आ रहा है इस मशीन का इस्तेमाल करने। हम ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। मैपलवुड कहती है, जब तुम बार बार हार जाते हो तो बार बार लड़ने का फायदा ही क्या है। हसन कहती है, 2023 में जो लोग बॉम्ब के कारण मारे गए थे, हम उन लोगों को बचाना चाहते हैं। उसमें मेरा बेटा भी मारा गया था। मैपलवुड कहती है, तुमने मुझे गलत समझा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। इतनी देर में वहाँ पर सायरन बज जाते हैं। वहाँ मैनिक्स के आदमी आ गए थे। वे आकर वहाँ सब लोगों को मार देते हैं और मैपलवुड को बचा लेते हैं। फिर वहाँ मैनिक्स आता है। वो मैपलवुड को उसी जगह पर चलने के लिए कहता है। फिर वो मैपलवुड से हर वो बात पूछता है जो हसन ने उसे कही थी और उसके बाद वो टाइम मशीन के पास जाता है। दूसरी तरफ हीलिंग हेड जूलियन से पूछता है, तुम लॉन्ग हार्वेस्ट में क्या कर रहे थे। जूलियन कहता है, ये जानना तुम्हारा काम है। फिर हीलिंग हेड कहता है कि मैं दुनिया के सामने तुम्हारा सच लाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। तभी जूलियन उसको वो फोटोज दिखाता है जो उसने उस समय खींची थी जब हीलिंग हेड उसके घर में नशे की हालत में था। वो कहता है कि मैं दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि तुमने एक लाश के साथ गलत काम किया है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो तुम कत्ल का इल्जाम अपने दोस्त हेनरी के ऊपर डाल दो। फिर जाते जाते वो बताता है कि वैसे उस आदमी को मैंने नहीं मारा था। अब हीलिंग हेड परेशान था क्योंकि वो पूरी तरह से जूलियन के काबू में था। दूसरी तरफ व्हाइटमैन पॉली को उसके ही घर में ले जाता है और पूछता है कि बता, इन सब के पीछे तेरा क्या मकसद है, वरना गोली तेरे भेजे के आर पार हो जाएगी। वो उसे खरीदने की कोशिश करती है लेकिन व्हाइटमैन को जानना था कि उसने उस बच्ची को क्यों मारा। वो बताती है कि वो लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती थी। इतने में वहाँ उसका सीनियर आ जाता है और कहता है कि अब मैं इस बुढ़िया को सजा दिलवाऊंगा क्योंकि इसने अपना जुर्म खुद कबूला है। तभी वहाँ पर चीफ कुछ सिपाहियों के साथ आता है। वो ऑफिसर से गन मांगता है और उसी गन से उसे शूट कर देता है। फिर वे पॉली को खोल देते हैं और व्हाइटमैन को पकड़ लेते हैं। प्रेजेंट में हसन जैक के घर जाती है। घर में उस समय कोई नहीं था लेकिन वहाँ पर एक टेप पड़ी थी और उसके पास में एक चाबी भी थी। फिर जब हसन उसे प्ले करती है तो उसमें बूढ़े की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं 1941 से मैनिक्स बोल रहा हूँ। तुम इस समय इस टेप को मेरे पिता के मकान में सुन रही हो। बात को समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम फिर मिलेंगे। और ये रिकॉर्डिंग जूलियन हार्पर ने रिकॉर्ड की थी। इसका मतलब जूलियन और मैनिक्स एक ही आदमी है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जूलियन हसन के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब तक उसने 255 ऑडियो रिकॉर्ड कर दी थी, उन सब के लिए जिसको ये भविष्य और भूतकाल में जानता है। वो कहता है, 14 जुलाई 2023 को तुम्हारी और इस शहर की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। धमाके में सब खुदगर्ज लोग मारे जाएंगे। फिर निर्माण होगा ऐसी दुनिया का जिसमें सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। 14 जुलाई को तुम अपना फर्ज निभाओगी। ये बात जब वो अपने सीनियर्स को बताती है तो उनको हसन की बात पर विश्वास नहीं आता। वे कहते हैं, इस तरह का धमाका करने के लिए सालों तैयारी करनी पड़ती है और बॉम्ब कहीं ना कहीं तो छुपाया ही होगा। हसन कहती है, वो शहर के नीचे छुपाया होगा। फिर वो उस चाबी को और अपनी चाइनीज ऑफिसर को लेकर जूलियन हार्पर के बैंक में जाती है। ये चाबी उसे कैसेट के साथ मिली थी। बैंकर सारा का पूरा नाम और एड्रेस बताता है और कहता है कि ये वॉल्ट आपके लिए 1941 में खोला गया था। फिर वो आदमी उन दोनों को उस वॉल्ट के पास ले जाता है। सारा जब उस वॉल्ट को खोलती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। फिर वहाँ एक फोन बजता है। वो फोन था जैक बार्बर का और फोन उठाते ही बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। अब उस चाइनीज ऑफिसर को भी हसन पर विश्वास हो गया था, इसलिए वो उसके साथ जाती है। अब ये न्यूज सभी टीवी चैनल्स में आ जाती है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम का एक बॉम्ब मिला है। पूरी आर्मी उसे डिफ्यूज करने में जुट जाती है। फिर जैक उसे दोबारा फोन करता है और कहता है कि तुम वहाँ नदी के पास आ जाना, अगर तुम्हारे साथ कोई और हुआ तो बॉम्ब का बटन दबा दिया जाएगा। फिर हसन अपने पापा को फोन करती है और अपने बेटे को इस शहर से दूर ले जाने को कहती है। मैनिक्स उस समय अपने पापा जैक के साथ था। वो अपने बेटे को उस बॉम्ब का कोड देता है और डिटोनेटर्स देता है। वो चाहता था कि ये बॉम्ब उसका बेटा मैनिक्स एक्सप्लोड करे लेकिन मैनिक्स ये करना नहीं चाहता था। जैक उसे समझाता है कि ये तुम्हारा खुद का सपना था, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाने आया हूँ।
तभी हसन नदी के किनारे पहुंच जाती है और वोट में चढ़ जाती है। वोट में दोनों बाप बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। फिर जैक रिमोट का स्विच ऑन करके अपने बेटे को दे देता है और हसन को उससे बटन दबवाने के लिए कहता है। हसन उसे ऐसा करने से रोकती है। जब वो रिमोट छीनने लगती है तो जैक उसे गन दिखाता है और कहता है कि बच्चा डर जाएगा। फिर जूलियन हार्पर का लास्ट रिकॉर्ड चलाया जाता है। जूलियन कहता है, जो दिल तुझमें धड़क रहा है वही दिल मुझमें भी धड़क रहा है। एक दिन तुम भी इसी बेड पर बैठकर यही बातें दोहराओगे। अब तुम्हारा खास बनने का समय आ गया है। वो चाइनीज भी उस बोट में चढ़ गई थी। वो पायलट को मारकर बेहोश कर देती है। जूलियन कहता है, 2053 में टाइम ट्रैवल के जरिए तुम वापस 1890 में जाओगे और फिर से जूलियन हार्पर बनकर मेरी जिंदगी जियोगे। ऐसा बार बार लगातार होता रहेगा। तभी जैक उस चाइनीज को देख लेता है और उसे मारने के लिए बाहर जाता है। वो चाइनीज जैक को मार देती है। वो चाइनीज मैनिक्स को भी मारने वाली थी, लेकिन हसन उसे रोक लेती है। मरते मरते भी वो अपने बेटे को बटन दबाने के लिए कहता है। फिर हसन के मांगने पर मैनिक्स रिमोट हसन को दे देता है। बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2053 में। मैनिक्स के सिपाही हसन और गैब्रियल को पकड़ कर ले आते हैं। हसन कहती है, मुझे अफसोस है उस दिन मैंने तुम्हें शूट क्यों नहीं कर दिया। क्या तुमने मैपलवुड को बताया कि तुम ही थे जिसने 2023 में लाखों लोगों की जान ले ली। मैनिक्स कहता है, हाँ, और मैं दोबारा फिर से यही करूंगा। फिर हसन एक सिपाही की गन छीन लेती है और मैनिक्स को गोली मारने ही वाली थी कि दूसरा सिपाही उसका हाथ हिला देता है और गोली मैनिक्स के पांव में लगती है। इसी वजह से जब वो 1890 में गया तो वो एक लात से लंगड़ा था। फिर मैनिक्स हसन को गोली मार देता है और गैब्रियल को 1890 में जाने के लिए मशीन तैयार करने को कहता है। फिर वो मैपलवुड को कहता है, अब से ये सारी दुनिया तुम्हारे हाथ में है। वो अपनी गन मैपलवुड को देकर टाइम मशीन में जाने लगता है। टाइम मशीन में जाकर वो गायब हो जाता है। अगले सीन में हम हीलिंग हेड को देखते हैं। वो हेनरी के पास जाता है और बताता है कि जूलियन चाहता है मैं सारे इल्जाम तुम पर डाल दूं। हेनरी पूछता है, तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, लेकिन हीलिंग हेड उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है और कहता है कि वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कुछ काम पूरे करने हैं। 1941 में चीफ व्हाइटमैन को अपने ऑफिस ले जाता है और कहता है कि उस गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है जिससे मैंने तुम्हारे साथी को मारा है। फिर वो बताता है कि वो बूढ़ी औरत जिस पर तुमने गन तान रखी थी वो मेरी माँ है। व्हाइटमैन कहता है कि मुझे उससे बात करनी है जो इस सारे सिस्टम को चलाता है। फिर चीफ अपने आदमी को कहता है कि हार्पर हाउस में खबर कर दो, हम वहाँ आ रहे हैं। लेकिन तभी व्हाइटमैन उन दोनों को मार देता है और अकेला ही जूलियन हार्पर से मिलने जाता है। उधर मिस्टर हेलिंग हेड कातिल का नाम एक लेटर में दर्ज करके अपने सीनियर को दे देता है। फिर वो अपने घर जाता है। घर जाकर वो अपनी वाइफ को अपने और हेनरी के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि उसने उस लेटर में खुद का ही नाम दर्ज कर दिया था। ऐसा उसने हेनरी को बचाने के लिए किया था, वरना जूलियन समाज के सामने उस पर कलंक लगा देता। वे पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर व्हाइटमैन जूलियन हार्पर के घर जाता है और वॉचमैन से कहता है कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। फिर वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है और पियानो की आवाज सुनकर पोली के पास जाता है। वो उस लड़की को मारने के जुर्म में पोली को गोली मार देता है। फिर वो ऊपर जाता है। ऊपर जाकर वो जूलियन हार्पर को ढूंढ लेता है और उस बच्ची को मारने का ऑर्डर देने के जुर्म में जूलियन हार्पर को गोली मार देता है। फिर वहाँ बैठकर वो पुलिस का इंतजार करता है। पुलिस आकर उसे मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। उधर 2053 में गैब्रियल गन छीनकर दूसरे सिपाही को भी मार देता है। फिर मैपलवुड के कहने पर वो गन नीचे फेंक देता है। गैब्रियल कहता है, मैं मैनिक्स को जाकर रोकना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। उसे पता था कि मैपलवुड गोली चलाएगी, लेकिन फिर भी वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि गोली ना चलाए। जब वो टाइम मशीन में जाने लगता है तो मैपलवुड उसे शूट कर देती है। वो गोली गैब्रियल की आंख में लगती है और फिर से वही घटनाएं दोबारा दोहराई जाती है। प्रेजेंट में जब हसन मैनिक्स को बोट से उतार कर ले जा रही थी, तब रास्ते में वो पूछता है, क्या आपको सच में लगता है जैक बार्बर मेरे पिता थे। हसन कहती है, तुम्हारी माँ ने तो यही बताया था। फिर वो मैनिक्स को उसकी माँ से मिलवाने ले जाती है। उसकी माँ हसन को कहती है कि मैनिक्स को कह देना मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी, और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर मैनिक्स अपने बाप का दिया हुआ कोड खोल कर देखता है। उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। वो बॉम्ब डिटोनेटर से नहीं बल्कि मोबाइल से कनेक्टेड था। फिर मैनिक्स एक लड़के का फोन छीन कर वहाँ से भाग जाता है। हसन कोड देख कर समझ जाती है और उसका पीछा करती है। फिर मैनिक्स वो नंबर डायल कर देता है और देखते ही देखते पूरा लंदन शहर राख में बदल जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं मैनिक्स 1890 में पहुंच गया था। एक्चुअली इनका शरीर तो टाइम ट्रेवल में जा सकता था, लेकिन बाकी की कोई भी वस्तु टाइम ट्रेवल में नहीं जा सकती थी। इसके हाथ पर भी वही टैटू बन गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा
मैनिस टाइम ट्रेवल करके 1890 में पहुंच गया था। उसके पांव में गोली लगी थी, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उसका घाव पहले से ठीक था, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हुई थी। फिर मैनिक्स देखता है कि उस रूम में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा था ये रूम सर जूलियन हार्पर की याद में बनवाया गया है। फिर वो खुद को जूलियन हार्पर बताता है। फिर जब जूलियन हार्पर की माँ को बुलाया जाता है तो वो उसे देखकर कहती है यही मेरा बेटा जूलियन है। उस लेडी ने झूठ क्यों बोला ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक होने पर जब जूलियन हार्पर को घर ले जाया जाता है तो सभी नौकर उसे इस तरह से देख रहे थे जैसे वो कोई अजनबी आदमी हो। उनका कुत्ता भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। जूलियन हार्पर की तस्वीरों में भी चेहरा अलग था। फिर जूलियन की माँ टैरो कार्ड से उसका भविष्य देखती है। फिर वो मैनिक्स से पूछती है क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो। मैनिक्स इनकार कर देता है। फिर जूलियन की माँ कहती है मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मैं सिर्फ ममता दे सकती हूँ। मैनिक्स कहता है पैसे तो मैं आप जितना कहोगे उतने ला दूंगा और आपका एक बेटे की तरह ख्याल भी रखूंगा, दुनिया से आपकी रक्षा भी करूंगा। मैं एक पुलिस वाले की बेटी से शादी करने वाला हूँ, फिर मैं आपको दादी माँ बना दूंगा। वो इस अकेली बुढ़िया को ऐसे सपने दिखाता है कि खुश होकर वो मैनिक्स को अपने बेटे का नाम दे देती है। अब उस घर की सभी तस्वीरों से चेहरे भी बदल दिए जाते हैं। अब वो तारीख आ जाती है जब गैब्रियल को भी वहाँ आना था। जूलियन पहले से ही वहाँ चला जाता है और लैंप को बंद कर देता है। फिर वहाँ गैब्रियल आ जाता है, तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर जूलियन छिप जाता है। वहाँ हेनरी आया था, वो उसकी फोटो खींच लेता है। जब पोली अपने मॉम डैड के साथ चर्च में पियानो बजाने गई थी तब जूलियन के साथ उसका नयन मटक्का हो गया था। फिर जब वहाँ से बाहर निकलकर हीलिंग हेड हेनरी के साथ चला जाता है तब एक चोर आकर पोली का लॉकेट चुराकर भागने लगता है। फिर जूलियन उसे गिरा देता है और पोली का लॉकेट उसे वापिस कर देता है। फिर जूलियन कहता है कि मैंने आपका पियानो सुना, आप बहुत अच्छा पियानो बजाती हैं। फिर वो उसे अपने घर पर अपनी माँ के लिए पियानो बजाने के लिए इनवाइट करता है। पोली ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जब पोली उसके घर पर पियानो बजाने जाती है तो उसकी माँ को बहुत पसंद आती है। तभी जूलियन से मिलने कुछ लोग आते हैं जो उसके लिए एक बैंक का नक्शा लेकर आए थे। जूलियन ने इतना रुपया कमा लिया था कि वो खुद का प्राइवेट बैंक खोलने वाला था। उसने अपने घर में गैब्रियल की फोटो भी लगा रखी थी। पोली को वो फोटो बड़ी ही अनोखी लगती है। फिर वे इधर उधर की बातें करके नजदीकियां बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वही सारी घटनाएं दोहराई जाती है जो हर बार होती है। इंस्पेक्टर हीलिंग हेड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पोली जूलियन के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है क्योंकि उसके बड़े बड़े आदमियों के साथ जान पहचान थी। फिर जूलियन हीलिंग हेड की तस्वीरें वायरल कर देता है जिससे सब लोग हीलिंग हेड को बार बार एक ही बात कहते हैं, शर्मानी चाहिए। फिर जब उसे जेल लेकर जाया जा रहा था तब रास्ते में उससे जूलियन मिलने आता है। जूलियन कहता है तुम बहुत बेवकूफ निकले, तुम्हें सारा इल्जाम पत्रकार पर डालना था। मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो, ये कोई गुनाह नहीं है, बस तुम गलत सदी में पैदा हो गए। फिर वो उससे उसकी बेटी का हाथ मांगता है। ये बात सुनकर हीलिंग हेड गुस्सा हो जाता है। फिर जूलियन वहाँ से बाहर जाकर दूसरे पुलिस वाले को इशारा करता है। फिर वो अंदर जाकर हीलिंग हेड का गला घोटकर उसे मार देता है। फिर जूलियन पोली को जाकर बताता है कि तुम्हारे पिता शर्मिंदा थे इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब चलते हैं 2053 में। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके कारण मैपलवुड परेशान थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि गैब्रियल को गोली उसी ने मारी थी। फिर उसे अपने घर में एक बैग दिखाई देता है जो कि गैब्रियल का था। उसमें वे पेपर्स थे जिसमें लिखा था कि मशीन में जाने के बाद पार्टिकल्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और एक ही समय में बॉडी दो अलग अलग टाइम में पहुंच जाती है। फिर वो अपने भाई के घर जाती है क्योंकि हसन को जब गोली लगी थी उसके बाद उसने उसे अपने भाई के घर छुपा दिया था। वहाँ उसका इलाज किया जा रहा था। फिर हसन उसे कहती है कि तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी क्योंकि वो उसे रोकने जा रहा था। फिर मैपलवुड कहती है कल जो भी हुआ मुझे उसके लिए अफसोस है लेकिन अब मुझे पता है क्या करना है। फिर मैपलवुड अपने भाई और हसन को लेकर लॉन्ग हार्वेस्ट जाती है। फिर जैसे ही वहाँ गैब्रियल की बॉडी आती है वे उसका साथ के साथ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। 1890 में जब जूलियन पोली से शादी कर लेता है फिर कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बाद में वो एक बेटे को जन्म देती है। फिर एक रात वो पोली को जाकर उठाता है और कहता है कि सच जानने का समय आ गया है। फिर वो उसे तहखाने में लेकर जाता है और वहाँ उसे गैब्रियल की बॉडी दिखाता है। फिर बताता है कि मैं भविष्य से आया हूँ। फिर वे सब उसका माइंड वॉश करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत खास हो। फिर वहाँ से बाहर जाकर पोली पूछती है कि इसका मतलब तुम जूलियन हार्पर नहीं हो। जूलियन कहता है नहीं, मैं मैनिक्स हूँ। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब इसके बच्चे और पोते होंगे, फिर आने वाली पीढ़ियों में से मेरा जन्म होगा और 2053 में मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। ये टाइम लूप इसी तरह से चलता रहेगा। फिर 1941 का वो समय दिखाया जाता है जब पोली जूलियन को बताती है कि व्हाइटमैन ने उस लड़की को नहीं मारा। जूलियन कहता है ये काम तुम्हें खत्म करना होगा। फिर वो अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है जिसको ये खुद 2023 में बोट के अंदर सुनने वाला था। फिर वही सभी घटनाएं दोहराई जाती है। व्हाइटमैन पोली और जूलियन को मार देता है। उन दोनों को मारने के जुर्म में व्हाइटमैन को फांसी हो जाती है। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि 1890 से लेकर 2053 तक क्या क्या घटनाएं हुई।
गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मैपलवुड गैब्रियल से गोली चलाने के लिए माफी मांगती है, फिर वो कहती है कि अब हमें खुद ट्राई करना होगा। गैब्रियल कहता है कुछ नहीं हो सकता, हमने कई बार कोशिश कर ली, जो भी अब तक होता आ रहा है वो आगे भी होगा। सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम 2023 में उसके दिमाग में शक का बीज बो दें कि तुम्हें मरते वक्त पछतावा हुआ था, तो शायद हम उसे रोक सकें। अब की बार मैपलवुड पीछे जाकर सब कुछ बदलना चाहती थी। फिर वो भागकर मशीन में जाती है और उसके 3 पार्ट हो जाते हैं। जो कुछ भी उसने इस दुनिया में पहना था वो सब यहीं पर रह जाता है। अब लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इन सब का एंड कैसे होगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मैपलवुड अब 1890 में आ गई थी। उसके शरीर पर जो कुछ भी था वे सब उसी दुनिया में रह गए थे। दरअसल मैपलवुड को स्पाइन प्रॉब्लम थी और इस दुनिया में आते ही उसकी स्पाइन वाली मशीन भी गायब हो गई थी, इसलिए वो सही तरीके से चल नहीं पा रही थी। फिर वो पास में बने रूम में जाती है और हीलिंग हेड के साइन देखती है। 2053 में जब हसन और गैब्रियल उसी जगह पर आकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर मैपलवुड के साइन दिखते हैं। अब वे समझ जाते हैं कि मैपलवुड सही समय में पहुंच गई है। वहां हीलिंग हेड के साथ किसी और का भी नाम लिखा था। अब पहले की तरह हीलिंग हेड एक लेटर में अपना जुर्म कबूल करता है और उसे अपने सीनियर को देने जाता है। तभी उसके पास एक सिपाही आता है और कहता है कि एक अपाहिज लड़की आपसे मिलना चाहती है। हीलिंग हेड कहता है उसे कह दो कि अब मैं मुजरिम हूँ। वो उससे नहीं मिलता और अपने घर चला जाता है। फिर पहले की तरह पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और हवालात में डाल देती है। उसके साथ वाले लॉकअप में मैपलवुड भी थी। वो कहती है तो तुमने इल्जाम अपने सिर ले ही लिया। हीलिंग हेड कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है देखो मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ शायद तुम्हें उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। जिसके कत्ल का इल्जाम तुमने अपने सिर पर लिया है उसे गोली मैंने ही मारी थी। मैं और जूलियन हार्पर भविष्य से हैं और मेरी दुनिया में जूलियन ने लाखों करोड़ों लोगों का खून किया है। हीलिंग हेड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर वो कहती है कि तुम्हें जहां बॉडी मिली थी वहां तुमने अपना नाम लिखकर एक संदेश छोड़ा था भविष्य के लिए, मैं वहीं से हूँ। फिर वो अपना साइन दिखाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी ही तरह एक डिटेक्टिव हूँ, वो भी इसी केस पर, और जूलियन को रोकने के लिए यहाँ आई हूँ। वो तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला है। हीलिंग हेड को इस बात पर विश्वास नहीं था। फिर वो उसे विश्वास दिलाती है और कहती है अगर हम जूलियन को रोक देंगे तो तुम वैसे ही जिंदगी जी पाओगे जैसी लाश मिलने से पहले जी रहे थे। फिर उन्हें सिपाहियों की आवाज आती है। मैपलवुड कहती है ये तुम्हें जेल ले जाने के लिए आए हैं और रास्ते में ही तुम्हें मार देंगे और सबको कहेंगे कि तुमने खुदकुशी कर ली। पुलिस वाले जबरदस्ती उसे ले जाते हैं। फिर पहले की तरह उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है और फिर उससे मिलने जूलियन आता है। हीलिंग हेड जूलियन को कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, तुम्हारे हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हैं। अगर मुझे मेरी बेटी से मिलने का एक मौका मिल जाता तो मैं उसे भी तुम्हारी सच्चाई बता देता मैनिक्स। जूलियन कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। हीलिंग हेड कहता है तुम्हारी मौत पछतावे में होगी, तुम्हारा दुख बांटने वाला तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा और ये बात मुझे तुम्हारी माँ की रूहों ने बताई थी। फिर जूलियन बाहर आ जाता है और हीलिंग हेड को मार दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो हीलिंग हेड की बेटी से शादी कर लेता है, लेकिन हीलिंग हेड की बातों से अब जूलियन परेशान रहने लगा था, उसकी लाइफ से सुकून चला गया था। एक रात जब जूलियन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि पॉली उसके पास नहीं है। फिर वो जाकर देखता है कि वो तहखाने में गैब्रियल की बॉडी के पास खड़ी थी। वो जूलियन को कहती है मेरे पिता ने इस शख्स के कत्ल का इल्जाम कबूल किया था, तुम्हारी माँ के कमरे में भी इस शख्स की पेंटिंग थी, तुम्हें मुझे सच बताना होगा वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। फिर जूलियन बताता है कि तुम्हारे पिता को मैंने ही मरवाया था। फिर जब वो जाने लगती है तो जूलियन उसे पकड़कर कहता है तुम कुछ नहीं बदल सकती, तुम्हारे पेट में मेरा बेटा है, उससे कई पीढ़ियां जन्म लेंगी और फिर जन्म होगा मेरा, अब तुम्हें हर हालत में मेरा साथ देना ही होगा। फिर उनके घर एक बेटा जन्म लेता है। फिर वो दिन आ जाता है जब 1941 में पॉली जूलियन को कहती है कि व्हाइटमैन ने उस बच्ची को अपने घर में छुपा रखा है। अब पॉली जूलियन का साथ तो दे रही थी लेकिन अंदर ही अंदर उससे नफरत करती थी और इस नफरत की शुरुआत 1890 से ही हो गई थी। फिर जूलियन अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग करता है। फिर सबके जाने के बाद जूलियन फिर से एक रिकॉर्डिंग करता है और उसमें अपने दिल का असली हाल बयां करता है। फिर वो रात आती है जब व्हाइटमैन उसे मारने के लिए जाता है। जब वो पॉली को मारकर जूलियन के पास आता है तो जूलियन कहता है एक अनहोनी को टालने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर वो उसे अपनी रिकॉर्डिंग देता है और कहता है कि इसे मेरे बेटे से छुपा कर रखना वरना वो इसे खत्म कर देगा, तुम इसे डिटेक्टिव हसन तक पहुंचा देना, तुम अकेले नहीं हो जिसे वो लाश मिली थी, हसन भी उन लोगों में से एक है जिसको तुम्हारे ही जैसे लाश मिली थी, अब सिर्फ तुम ही हो जो लाखों लोगों की जान बचा सकते हो। फिर वो व्हाइटमैन के हाथ से खुद को गोली मार लेता है। तभी वहाँ जूलियन के बेटे का फोन आता है, वो कहता है कि व्हाइटमैन अभी यहाँ आता ही होगा। व्हाइटमैन कहता है तुम फोन करने में लेट हो गए। फिर पुलिस वाले व्हाइटमैन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं।
व्हाइटमैन छिपने के लिए भाग रहा था। फिर पुलिस वाले उस पर गोली चलाते हैं, एक गोली उसे लग भी जाती है। फिर वो छुपता छुपाता लॉन्ग हार्वेस्ट चला जाता है। फिर उसकी नजर उन नामों पर पड़ती है जो मैपलवुड और हीलिंग हेड ने लिखे थे। जूलियन ने व्हाइटमैन को पहले ही बता दिया था कि इन लोगों को बॉडी मिली थी। फिर व्हाइटमैन वहाँ अपना भी नाम लिख देता है। फिर वो पुलिस वालों के बार में जाता है। उस समय वहाँ सिविलियन मौजूद थे। वो गोली चलाकर सबको भगा देता है। फिर एक हवलदार उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। वो उससे कहता है कि चलो अपनी सीटी बजाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। डर के मारे उससे सीटी भी नहीं बज रही थी। फिर व्हाइटमैन कहता है बाहर जाकर बजा लो। बाहर वो सीटी बजा देता है और बार के अंदर व्हाइटमैन चैन से बैठ जाता है। फिर वो अपना सिगार निकाल कर पीने लगता है। इतने में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर वहाँ जूलियन का बेटा आता है और व्हाइटमैन को शूट करने का ऑर्डर देता है। फिर सभी पुलिस वाले गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। अब की बार पैटर्न चेंज हो गया था, क्योंकि हर बार व्हाइटमैन को फांसी दी जाती थी, लेकिन अब की बार उसकी मौत गोलियां लगने से हुई थी। व्हाइटमैन ने जो इस पब की दीवार पर उसकी फोटो लगी थी, उसके साइड में वही निशान बना दिया था जो उस लाश के हाथ पर बना हुआ था। अब टाइम फिर से 2053 में चला जाता है। हसन और गैब्रियल जब उस जगह पर नाम पढ़ रहे थे तो वहाँ व्हाइटमैन का भी नाम लिखा था। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ चेंज हुआ है। फिर उसे याद आता है कि जब उस बूढ़े ने उस केस की पुरानी फाइलें दी थी, तब उसने पढ़ा था कि व्हाइटमैन की मौत पुलिस वालों के पब में हुई थी गोलियां लगने से। वो कहती है कि व्हाइटमैन चाहता है मैं वहां जाऊं। फिर उसे याद आता है कि 2023 में जब बम का धमाका हुआ था, वो पब पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, लेकिन इनके पास टाइम मशीन थी। अब हसन उस समय में पहुंच जाती है जब वो बॉम्ब बरामद कर लिया गया था और पुलिस वाले उसे डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हसन उसी पब में जाती है। वो देखती है कि व्हाइटमैन की तस्वीर के साथ वही निशान बना हुआ है। फिर वो उस तस्वीर को उतार कर देखती है। जब वो तस्वीर को खोलती है तो उसके अंदर उसे जूलियन की आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है जो उसने व्हाइटमैन को दी थी। उस पर जूलियन ने लिखा था कि मैंने अब तक जो भी बातें कही है उसको मत मानना, जो इस रिकॉर्ड में है बस वही मानना। फिर वो जूलियन यानी मैनिक्स की माँ सारा के पास जाती है। दूसरी तरफ 2023 वाली हसन मैनिक्स को लेकर सारा के घर जा रही थी। जब वो सारा के घर के सामने पहुंच जाती है तो हसन उसे सारा के फोन से फोन करती है। फिर वो उसे बताती है कि बॉम्ब विस्फोट करने का एक और ट्रिगर है, इसके लिए मैनिक्स को एक फोन की जरूरत होगी। तुम सबसे पहले सायरन बजाकर बच्चों को भगाओ। हसन सायरन बजाकर बच्चों को भगा देती है। फिर वो उसे स्पीकर ऑन करने को कहती है। फिर वो मैनिक्स को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पिता जैक बार्बर ने तुम्हें क्या दिया है। तुमने पिछली बार जब वो विस्फोट किया था तो उसमें मेरा बेटा भी मारा गया था। मैं जानती हूँ तुम्हें बेहतर दुनिया के सपने दिखाए गए हैं, लेकिन सभी ने मिलकर तुमसे झूठ कहा है। फिर वो उसे फोन पर जूलियन की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनाती है। उसमें जूलियन कहता है कि हर वो लफ्ज जो तुमने मुझसे सुना है वो सब झूठ है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ तुम्हें बस उस पर ही गौर करना होगा। मुझे अब भी वे सपने आते हैं जिसमें मुझे ना चाहते हुए भी एक बच्चे को मारना पड़ता है। मैंने जो अपनी पूरी जिंदगी में किया, अपने अंत समय में मैं उसे भुला नहीं पाया। मैं हर पल लाखों जिंदगियां बर्बाद कर देने के कारण खुद को कोसता रहता हूँ। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, मुझे माफ कर देना। फिर मैनिक्स रोता हुआ कार से बाहर चला जाता है और वो फोन नंबर वाली स्लिप फाड़कर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि मैं किसी की जान नहीं लूंगा। अब की बार सारा भी आकर अपने बेटे से लिपट जाती है और खूब रोती है, शायद उसे माँ के ही प्यार की जरूरत थी। फिर हसन खुद के ही गले मिलती है। तभी अचानक से मैनिक्स और 2053 वाली हसन गायब हो जाते हैं। इट मीन्स सब कुछ ठीक हो गया था। कहानी फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। आज शहर में प्रोटेस्ट था, इसलिए हसन अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। जैक बार्बर भी जिंदा था। 1941 की स्टोरी भी वहीं से शुरू होती है जब व्हाइटमैन ड्यूटी पूरी करके अपने घर जा रहा था। वही चोर लड़की उसे फिर से मिलती है और व्हाइटमैन उसे जाने देता है। 1890 वाली भी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जब हीलिंग हेड चोरी करने वाले माँ बेटा को पकड़ता है। अब की बार हेनरी लाश की नहीं बल्कि हीलिंग हेड की फोटो खींचता है। अब सबकी लाइफ पहले जैसी हो गई थी। अब एंड में हम देखते हैं कि हसन अपनी ड्यूटी पूरी करके टैक्सी पकड़कर कहीं जा रही थी और वो टैक्सी कोई और नहीं बल्कि मैपलवुड चला रही थी जो फ्यूचर से आई थी और अब भी यहीं थी। इसी के साथ इस दिमाग घुमाने वाली वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, बाकी की वेब सीरीज से जरा हट के वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैं भी अपने दिमाग से हट गया। इस वेब सीरीज में चीजें इतनी बारीकी से दिखाई गई थी कि मुझे हर एपिसोड 2-3 बार देखना पड़ा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। अगर मेरा काम पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे रहा हूँ जिसका नाम है केवी वर्ल्ड। उसे जरूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आने वाले दिनों में हम ढेरों बातें करेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब मैं उसी चैनल पर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।